नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा तो कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और भारी मौसम में बदलाव होने की संभावना काफी अधिक जताई जा रही है। तो कैसा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का मौसम, कौन से जिले में मौसम में बदलाव होगा, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस स्टूडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप भी भोपाल, जबलपुर, कटनी, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर ठंडे होने लग गए। रात के बाद अब दिन में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पारा 26 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे दिन में लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जबलपुर, मलाजखंड, खजुरा और दोस्तों खंडवा और बैतूल में शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। सागर, नर्मदापुरम और इंदौर में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जबकि शेष संभागों में सामान्य से कम रहे हैं। सबसे कम पारा उमरिया, बैतूल, मलाजखंड और खजुरा में 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अगले 72 घंटों में मौसम ज्यादा बदलाव नहीं होगा और 3 दिन बाद प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, इसके कारण अगले 2 दिनों के दौरान इसी तरह ठंडा पड़ती रहेगी। इसके बाद भी दोस्तों जो है ईरान के ऊपर एक कम दबाव का जो है ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से विभिन्न इलाकों पर तापमान में गिरावट होगी। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो लगातार उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाएं चलती हुई नजर आएगी और हमें बताया जा रहा है कि इस खजुरा, बैतूल, नौगांव, रीवा, सिवनी, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, खंडवा और रतलाम में दिन का तापमान में गिरावट के साथ भारी ठंड का प्रकोप लगातार उतार चढ़ाव के साथ दर्ज किया जाएगा और तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग के माने तो खजुरा में 8 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। रात के समय शीतलहर का प्रभाव काफी बढ़ रहा है तो कई जगहों पर भारी से भारी ठंड का प्रकोप भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है। जबलपुर की बात की जाए तो 27-28 के करीब तापमान अधिकतम, रात के समय 12-13 और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। कटनी में 13-14 के करीब रात के समय तापमान जा रहा है, दिन में 27-28 के करीब तापमान रहेगा और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। भोपाल में 12-13-14 के करीब रात के समय तापमान जा रहा है, दिन में 27-28 के करीब तापमान रहेगा और भारी ठंड का प्रकोप है। सीधी में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा, बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। बड़वानी में 14-15-16 के करीब रात के समय तापमान जाएगा, दिन में 30-31 के करीब तापमान जाएगा और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। ग्वालियर में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा, बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। धार में 214-15 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा, बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। उज्जैन में 12-13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। हरदा में 12-13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 27-28-29 के करीब तापमान जाएगा और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। शिवपुरी में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 27-28 और भारी से भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो मंदसौर में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा और बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। रायसेन में 11-12-13 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा, बादलों की वजह के साथ भारी ठंड पड़ेगी। शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, सागर, नीमच, दतिया समेत विभिन्न इलाकों पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो यह था पूरे मध्य प्रदेश का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।